डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला ट्रेलर रिलीज होने के बाद हर कोई यही बोल रहा था कि कितने डॉक्टर स्ट्रेंज, आखिर कितने डॉक्टर स्ट्रेंज है। पर सेकंड ट्रेलर रिलीज होने के बाद तो ये सवाल और भी बढ़ गया कि आखिर कितने डॉक्टर स्ट्रेंज है इस मूवी में। तो यार हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के कितने वेरियंट इस मूवी में हमें देखने मिलेंगे। तो यार नंबर से शुरू करते हैं, नंबर एक। तो यार नंबर एक पर है नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज, नॉर्मल नहीं नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज। तो हाँ, नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अभी ना तो टाइम स्टोन है और ना ही सोर्सर ऑफ सुप्रीम की पोस्ट, पर एक ताने देने वाला दोस्त है जो हर बार मना ही करता रहता है। तो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज अभी अभी एक कांड भी कर आया है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी उसकी ही करतूत है। तो अब देखते हैं उसका जो ये रायता उसने फैलाया है उसको ठीक कैसे करता है 6 मई को। तो चलते हैं अगले नंबर पर। तो यार नंबर 2 पर होने वाले डिफेंडर स्ट्रेंज। तो यार ये हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ देते हुए ही नजर आएंगे। और यार काफी सारे फैंस इसे पहले से ही विलन मानने लग गए थे, पर यार इसका नाम ही डिफेंडर स्ट्रेंज है तो ये कैसे विलन हो सकता है। और कॉमिक के माने तो ये कोई डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट नहीं है, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ समय के लिए एवेंजर्स टीम से निकलकर डिफेंडर टीम में चले गए थे और उसी वजह से इन्होंने अपना नाम डिफेंडर स्ट्रेंज रखा था। लेकिन मूवी में ये एक अलग यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है और इसे इस यूनिवर्स में लाने का काम अमेरिका चेवस का होगा, जैसा कि हमने इसको गिरते हुए भी देखा फर्स्ट और सेकंड ट्रेलर में। और अमेरिका चेवस को इसका फायदा भी हो जाएगा क्योंकि यही डिफेंडर स्ट्रेंज उसे बचाने भी वाला है, जो कि हमें उस ट्रेलर में तो नहीं पर हाँ अमेरिका में एक और टीवी स्पॉट रिलीज हुआ था उसमें जरूर बताया गया है। और यार डिफेंडर स्ट्रेंज का लुक देखकर काफी ज्यादा मजा आया, मैं भी इसका हमें मूवी में देखकर और भी मजा आया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर। तो नंबर 3 पर वो है जिसे आप सभी लोग और मैं भी एविल डॉक्टर स्ट्रेंज समझ आता, वो भी वो व्हाट इफ वाला। पर अब हम ये दावे से नहीं कह सकते क्योंकि पहली बात तो ये कि उस डॉक्टर स्ट्रेंज को उस छोटे से क्रिस्टल में से छुड़ाया किसने। हाँ माना कि वो अच्छा तो हो ही गया था, पर उस क्रिस्टल में से छुड़ाना उसको बहुत बड़ी बात है। और दूसरा कि हमें जब ट्रेलर में सबटाइटल ऑन करके जब देखा तो उसका नाम आ रहा था सिनिस्टर स्ट्रेंज। और यार जब इस वेरिएंट का नाम ही सिनिस्टर है तो ये अच्छा किस एंगल से हो सकता है। तो शायद ये वांडा की मदद करने आया हो, क्योंकि इस मूवी की विलन तो पक्का वांडा ही होने वाली है। तो यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये विलन ही होने वाला है, क्योंकि यार ये जो बुक लाया था वो सिर्फ वांडा के ही काम आने वाली है। शायद ये अच्छा भी हो सकता है क्योंकि उस बुक को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी यूज करते हुए देखा है फर्स्ट वाले ट्रेलर में। तो यार मोस्ट प्रोबेबली ये वांडा की हेल्प करने ही आया होगा, सॉरी स्कारलेट विच की केओस मैजिक में। यार वो भी जादूगर और ये भी जादूगर की जमेगी, और विजन तो अब रहा ही नहीं। तो चलिए अब देखते हैं अगले नंबर पर, नंबर 4। तो नंबर 4 पर है ज़ॉम्बी स्ट्रेंज। तो यार जैसा कि आप लोग समझ रहे हो वैसा है ही नहीं। अगर आप लोग इसे भी व्हाट इफ वाले ज़ॉम्बी स्ट्रेंज का समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं व्हाट इफ में जो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज बताया था उसकी लेफ्ट आंख फूटी हुई थी और इस वाले की राइट आंख फूटी हुई है। और इसके कपड़ों से लग रहा है कि मे बी ये डिफेंडर स्ट्रेंज ही होगा जिसे सिनिस्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच ने मिलकर इफेक्टिव कर दिया होगा। जब डिफेंडर स्ट्रेंज और वोंग दोनों स्कारलेट विच और सिनिस्टर स्ट्रेंज को रोकने आए होंगे, मतलब जादू करते हुए रोकने आए होंगे, कि यार वांडा इस मूवी में केओस मैजिक यूज करने वाली है और मे बी वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो यार अब जो आने वाला है वो मेरा तो मोस्ट ऑफ द फेवरेट स्ट्रेंज रहने वाला है अगर वो आया तो। नंबर 5 पे है सोर्सरर ऑफ सुप्रीम आयरन मैन। जी हाँ, ऐसा सुनने में तो आया है काफी ज्यादा लीक्स है कि RDJ रिटर्न कर रहे हैं अपने रोल के लिए, वो भी सोर्सरर ऑफ सुप्रीम आयरन मैन के लिए। और इसके ऊपर मैंने एक पहले ही डिटेल वीडियो बना रखी है जो कि आई बटन पर सजेस्ट हो रहेगी, तो जी आप इस वीडियो के बाद उसे जाकर जरूर देख सकते हैं। और यार इस वाले आयरन स्ट्रेंज के इतने लीक आ रहे थे ना कि ये वाला आयरन मैन अपने यूनिवर्स का सोर्सरर ऑफ सुप्रीम होगा, और ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट होने वाला है। शायद इसलिए मार्वल ने अभी तक कोई हमें ट्रेलर में हिंट भी नहीं दिया, और शायद ऐसा बोला जा रहा है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज सारे सोर्सरर ऑफ सुप्रीम को ढूंढ रहे हैं तो लास्ट में हमारे RDJ वाले सोर्सरर ऑफ सुप्रीम आए। तो यार ऐसा हुआ ना तो काफी ज्यादा फैन पागल हो जाएंगे, क्योंकि RDJ को वापस आयरन मैन के रोल में देखना बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय।